नमस्कार दोस्तों, ओशन इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मलेशिया के वर्क वीज़ा के बारे में। मलेशिया का वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, उसका जेन्युइन तरीका अप्लाई करने का क्या है, क्योंकि आजकल मलेशिया के वर्क परमिट के नाम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहा है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आपको अवेयरनेस हो जाए कि कौन सा वीज़ा जेन्युइन होता है और कौन सा वीज़ा फ्रॉड होता है। तो दोस्तों, आपको अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें वीज़ा एप्लीकेशन से पहले पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इसका फर्स्ट पॉइंट है कि कभी भी अगर आपको कोई टूरिस्ट वीज़ा पे भेजता है ये कह के कि ये आपका वर्क वीज़ा है या वहाँ पर जाके चेंज हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, डायरेक्टली आप इंडिया से सिर्फ वर्क परमिट पे जाइए, टूरिस्ट वीज़ा पे मत जाइए, क्योंकि 99% केसेस में टूरिस्ट वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इसके अलावा आप जो भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है वो लाइसेंस कंपनी के थ्रू या लाइसेंस एजेंसी के थ्रू अप्लाई करिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत या परेशानी ना आ सके। तो इसके लिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मलेशिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करने का तरीका क्या है, कैसे आप मलेशिया प्रॉपर वीज़ा पे जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप कभी भी अगर कोई एजेंट आपको टूरिस्ट वीज़ा पे भेजने के लिए कहता है तो कभी टूरिस्ट वीज़ा पे मत जाइए। ये आपकी स्क्रीन पे जो भी वीज़ा आ रहा है ये टूरिस्ट वीज़ा होता है, ये सिंगल एंट्री वीज़ा है। आजकल एजेंट्स जो है इस वीज़ा पे वर्क परमिट के नाम पे भेज रहे हैं, जबकि आप इसमें चेक करेंगे रिमार्क्स में, फॉर इशू ऑफ बीपी सोशल 30 डेज ओनली। ये जो वीज़ा है ये टूरिस्ट वीज़ा होता है 30 डेज के लिए। कुछ जो फेक एजेंट्स होते हैं वो इनोसेंट पीपल को मूर्ख बनाते हैं इसके नाम पे, और वो फ्रॉड करते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे भेज के। वहाँ पे जाके अभी गवर्नमेंट ने एक माई ईजी कार्ड शुरू किया है, मलेशियन गवर्नमेंट ने। माई ईजी कार्ड उनके लिए है जो 2016 मार्च 2016 से पहले इलीगल हैं। इलीगल वर्कर को रजिस्टर करने के लिए, लीगल करने के लिए उन्होंने ये कार्ड शुरू किया था, जबकि इसका फ़ायदा कुछ जो फेक एजेंट्स हैं वो उठा रहे हैं इंडिया से या किसी और कंट्री से, इनोसेंट पीपल से को फंसा के वो भेज रहे हैं कि वहाँ पर जाके आपका माई ईजी कार्ड करवा देंगे। जबकि माई ईजी कार्ड जो है वो सिर्फ जो वर्कर 2016 से पहले मलेशिया में इलीगल हैं उन्हीं के लिए है, नए वर्कर्स के लिए नहीं है। तो इस तरह से जो एजेंट्स हैं वो इनोसेंट पीपल को मूर्ख बना रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप जो है अगर मलेशिया जाना है वर्क परमिट पे तो आप एक्चुअल प्रोसेस जो है उसके थ्रू जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक्चुअल प्रोसेस कैसे होता है। तो मलेशिया का जेनुअन तरीका क्या है, इसके लिए मैं आपको, आप वीडियो एंड तक देखते रहिएगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे वर्क वीज़ा अप्लाई होता है। दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पासपोर्ट, फोटोग्राफ और मेडिकल। मेडिकल इसका दिल्ली से ही होता है, दिल्ली में अल खलीज डायग्नोस्टिक सेंटर है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, और ऑल ओवर आप अप्रॉक्सीमेट ऑल ओवर इंडिया में इसके कुछ ही मेडिकल सेंटर्स हैं जो भी मेट्रो सिटीज़ में हैं। आजकल एजेंट जो है मेडिकल के नाम पे भी 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 जो है वो खा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका मेडिकल सेंटर ऑथराइज मलेशियन एम्बेसी से, जो ऑथराइज मेडिकल सेंटर है वहीं से ही होता है, उसका मैं आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले हम जब मेडिकल फिट हो जाता है तो एम्बेसी में जाके इसका बायोमेट्रिक होते हैं, बायोमेट्रिक जो है उसको फिंगरप्रिंट भी कहते हैं, फिंगरप्रिंट होते हैं। अगर आपका फिंगरप्रिंट और मेडिकल ओके होता है तो ये वीज़ा मलेशियन इमिग्रेशन में अप्लाई होता है। तो मलेशियन इमिग्रेशन से जो वीज़ा आता है उसको हम कॉलिंग वीज़ा कहते हैं। कॉलिंग वीज़ा के बाद हम एम्बेसी में पासपोर्ट सबमिट करते हैं, और पासपोर्ट सबमिट होने के 5 वर्किंग डेज के अंदर हमारे पास स्टिकर वीज़ा आ जाता है मलेशिया से, जो मलेशिया का। तो इसमें जो स्टिकर वीज़ा है वो सिंगल एंट्री वीज़ा होता है 3 मंथ का, जिसकी वैलिडिटी 3 मंथ होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो सिंगल एंट्री वीज़ा 3 मंथ का है और स्टिकर वीज़ा है वही वर्क परमिट होता है। दोस्तों, मलेशिया का वर्क परमिट करते हैं, हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। इंडिया से ही हम वर्क परमिट पे कैंडिडेट्स को भेजते हैं, कभी भी टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं भेजते, क्योंकि वहाँ पे जाके टूरिस्ट वीज़ा से वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं होता है, ये सब फेक है, फ्रॉड है, जो यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा भेज के वहाँ पे वर्क परमिट चेंज करवाते हैं। हमारे पास जो काम होता है फैक्ट्रीज़ में, मॉल्स में, रेस्टोरेंट में, कंस्ट्रक्शन में, इन फील्ड्स में हमारे पास काम होता है। कुछ वर्क काम हमारे पास एग्रीकल्चर का भी होता है, जैसे प्लांटेशन होता है, प्लांटेशन रबड़ प्लांटेशन भी होता है, वेजिटेबल जो फार्म हाउस होते हैं वो भी होता है, अलग अलग टाइप के कैटेगरी के वर्क होते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास प्रोफेशनल परमिट्स भी हैं,
सपोज कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, या इसके अलावा और अकाउंटेंट है, सीए है, बारबर है, इस टाइप कुक्स हैं, शेफ़ हैं, उनके लिए भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों अभी अगर आपने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बेसिक सैलरी 1000 रिंगर से लेके 1200 रिंगर तक बेसिक सैलरी होती है। इंडिया का 18,000 के अप्रॉक्सीमेट बेसिक सैलरी होती है। प्लस इसके अलावा आप वहाँ पे ओटी कर सकते हैं, ओवर टाइम का 1.5 गुना मिलता है। अप्रॉक्सीमेट 26 दिन 11 घंटे का कोई भी वर्कर आराम से 25 से 30 हज़ार तक कम से कम अर्न करता है। इसके अलावा अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कोई वर्कर काम करता है तो वो आराम से 35 से 40 हज़ार काम करके कमा सकता है। अकोमोडेशन हमेशा कंपनी देती है, 90% कंपनियाँ फूड प्रोवाइड नहीं करती हैं, कुछ कंपनीज फूड प्रोवाइड भी करती हैं, जैसे रेस्टोरेंट में कुक्स वगैरह होते हैं या क्लीनर्स वेटर्स होते हैं, तो उनके लिए कंपनी फूड भी फ्री में प्रोवाइड करती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 3 साल का होके जाता है। तो अगर आपको इसके लिए कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे और वीडियोस देखने के लिए काइंडली आप हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे मलेशिया में कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कैसे आप फैमिली के साथ मलेशिया में सेटल हो सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है। उसके लिए दोस्तों मैं बता देता हूँ बेसिक्स आपको, उसके लिए मलेशिया में DP-10 वीज़ा होता है जिसके भी पे आप मलेशिया में सेटल हो सकते हैं। तो कृपया आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू। Call.